ओके iOS के सेशन पर हम देखते हैं कि जिस तरह से हमने इमेज व्यू या वेब व्यू का इस्तेमाल किया है, अब हम वेब व्यू को यूज़ करते हुए देखेंगे कि हम YouTube में से किसी वीडियो को किस तरह से iOS के किसी एप्लीकेशन पर इम्बेंड करवा कर यूज़र को फैसिलिटेट कर सकते हैं जिस तरह से हम नॉर्मली वेब पेजेस पर देते हैं। ठीक है, तो इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने एक सेपरेटली ब्लैंक प्रोजेक्ट रेडी किया हुआ है अपने वर्चुअल मशीन पर, और यहाँ पर आने के बाद हमारा ये सेपरेट व्यू कंट्रोलर है। तो जो हमें बेसिक ऑब्जेक्ट्स चाहिए इसके लिए, सबसे पहले हमें वेब व्यू चाहिए। तो मैंने यहाँ पर वेब व्यू सर्च किया क्योंकि इसी वेब व्यू पे ही मैं अपने कंप्लीट वेब को या वीडियो को दिखा सकूँगा यूट्यूब के। लिहाजा इसके लिए हमने इसको इस एरिया पर रिजर्व कर दिया, ठीक है, सेंटर पे। और उसके बाद हम कोडिंग एरिया पर चलते हैं और अपने इस वेब व्यू का वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं ज़ूम करता हूँ, तो ये रहा हमारा वेब व्यू। मैंने इसे ड्रॉप किया और ड्रॉप करने के बाद मैंने इसका नाम रख दिया माई वेब व्यू, दैट्स इट। अब वेरिएबल बन गया हमारा। अब क्योंकि यहाँ पर कोई क्लिक इवेंट मौजूद नहीं है और ना ही मैं क्लिक इवेंट पर बनना चाहता हूँ, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही यूज़र इस वेब व्यू पर आएगा, इस पेज पर आएगा, इस एक्टिविटी पर आएगा, तो उसको एक वीडियो का थंबनेल दिखेगा जिसमें प्ले का बटन होगा, जो नॉर्मली इम्बेंड करने की वजह से दिखता भी है, और उसमें जब क्लिक करते वक्त यूज़र को वो तमाम व्यूज़ दिखने लगेंगे। तो इसके लिए हम एक मैथड क्रिएट करते हैं और उस मैथड को लोड इवेंट पर कॉल करेंगे। तो मैं एक मैथड बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ फंक्शन गेट वीडियो, और उसका एक पैरामीटर बनाता हूँ वीडियो कोड। ठीक है, ये क्या है अभी हमें बात समझ में आ जाएगी। वीडियो कोड जो कि स्ट्रिंग होगा, और उसके बाद मैंने इसकी बॉडी बना दी। अब इस बॉडी के अंदर आपने जिस तरह से वेब व्यू पे हम यूआरएल लिखा करते थे या लोड यूआरएल या लोड रिक्वेस्ट लेकर गूगल या फिर व्हाटएवर जो भी सर्च बॉक्स में यूज़र लिखता था वो हम यहाँ पर गेट करते थे, अभी हमें क्या करने की ज़रूरत है, अभी हमें youtube.com तो लिखना है लेकिन उसके साथ वो आईडी इम्बेंड करनी है जिस वीडियो को हम ऐड कराना चाहते हैं। तो मैंने एक लिखा लेट यूआरएल इक्वल टू यूआरएल स्ट्रिंग, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में अब मैं कंप्लीट यहाँ पर यूआरएल लिखूँगा। कंप्लीट यूआरएल से मुराद ये कि जो यूआरएल का YouTube का बेसिक URL है youtube.com, फॉरवर्ड स्लैश के बाद जो वट एवर वीडियोज़ में चीज़ें आती हैं अभी हम वहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो मैंने लिखा https://www.youtube.com/, ठीक है, embed embed, और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश के साथ स्लैश लिखकर आप यहाँ पर वो पैरामीटर लिखोगे जिस पर आप अपना अपने वीडियो का कोड जहाँ पर लिख रहे होगे। तो उस पैरामीटर का नाम है वीडियो कोड, तो वो मैंने विंडो सी से कॉपी किया और इस जगह पर ब्रैकेट के अंदर पेस्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इस तरह से ये जो बेसिक यूआरएल होगा आप जिस वीडियो को डिस्प्ले करवाना चाहते हो वो वेरिएबल यूआरएल में अब सेव हो चुका है। अब मुझे अपने माई वेब व्यू जो कि वेरिएबल है उस पर इसे डिस्प्ले करवाना है, तो मैंने कहा माई वेब व्यू डॉट लोड रिक्वेस्ट। अब वो रिक्वेस्ट लोड हो रही है इस पर, तो उस रिक्वेस्ट को लोड करने के लिए हमने यूआरएल रिक्वेस्ट कॉल किया और ब्रैकेट में बता दिया कि एक्चुअली जो यूआरएल है वो वही वेरिएबल का नाम भी यूआरएल है। तो उसके बाद जो मैंने लिखा है वो हमारे वेरिएबल का नाम है और फर्स्ट पैरामीटर था, और उसके बाद हमारा बेसिक लॉजिक यहाँ पे रेडी हो जाता है। अब क्योंकि ये एक सेपरेट मैथड है गेट वीडियो के नाम से, अब इस मैथड को हमें लोड इवेंट पर कॉल करना है ताकि हमारा सिमुलेटर जब एक्टिव हो तो वो इस चीज़ को रन कर सके। लेकिन अब हमें यहाँ पर ये समझना है कि ये स्ट्रिंग डिजिट्स या स्ट्रिंग कोड आएंगे कहाँ से। इसको समझने के लिए हम किसी एक वीडियो को ओपन करते हैं, लिहाजा मैंने इस वीडियो को क्लिक किया और उसके कंप्लीट यूआरएल को यहाँ से हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, तो ये अभी ऐड है, ठीक है, तो ये हमारी वीडियो है इस वक्त रनिंग पे। आप अगर ज़ूम करूँ मैं इसे, तो आप देखते हो कि जब भी कोई यूट्यूब की वीडियो चलती है तो इक्वल साइन के आगे, ये जो इक्वल साइन के आगे डिजिट्स लिखे हुए ये इस वीडियो की यूनिक आईडी होती है। तो हमें एक्चुअली इसी आईडी को यहाँ से कॉपी करना है, तो मैंने इस आईडी को यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद हम वापस अपने Xcode पर आ जाते हैं। अब Xcode पर आने के बाद मुझे अपने फंक्शन को कॉल करना है यहाँ पर, तो फंक्शन का नाम लिखेंगे, तो फंक्शन का नाम है गेट वीडियो,
और उसके बाद हमें यहाँ पर स्ट्रिंग कोड लिखना है, तो इस स्ट्रिंग कोड को इन्वर्टेड कॉमा में मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस वीडियो को मैं अपने URL पर सॉरी वेब व्यू पर डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ वो इस एम्बेडेड के लॉजिक के ज़रिए से डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ गलती है, एक और एक्स्ट्रा साइन था वो मैंने हटा दिया, और एम्बेडेड स्लैश के बाद हमारे पास यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश भी है। ओके ठीक है, तो जो स्लैश ऐड करने की जगह थी वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब हम अपने सिमुलेटर को रन करते हैं और देखते हैं कि हमारी वीडियो चलती है या नहीं, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके मशीन पर वीडियो ना चले तो आपने अपनी प्रॉक्सी की सेटिंग को चेक करना होगा अपने मशीन के, यानी अगर आप एक्सकोड वर्चुअल मशीन पर चला रहे हैं तो भी, और अगर आप किसी एप्पल के प्रोडक्ट पर या एप्पल की मशीन पर काम कर रहे हैं तो भी। लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। ओके तो सिमुलेटर हमारा लॉन्च हुआ है और हम वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा थंबनेल यहाँ पर आ चुका है जो कि आपको यहाँ पर प्रॉपर्ली दिख रहा है। अब मैं इसे प्ले करने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने इस प्ले साइन पे जो कि थंबनेल का है मैंने इस पर क्लिक किया, और इट्स नाउ वेटिंग। और इस तरह से सक्सेसफुली हमारी वीडियो चलना शुरू हो चुकी है जो यहाँ पर दिख रहा है, और साथ ही साथ जो यूट्यूब का प्लेयर होता है उसके ज़रिए से यहाँ पर फर्दर ऑप्शन भी मौजूद हैं जो ट्रैक करते हुए आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमने सक्सेसफुली देखा कि हम अपने iOS एप्लीकेशन पर किस तरह से वेब व्यू को इस्तेमाल करते हुए YouTube की वीडियो को एम्बेंड करके डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब हमें सेटिंग के ऑपरेशन को समझना है कि एक्चुअली आप सेटिंग क्या करेंगे, यानी प्रॉक्सी को ऑफ किन चीज़ों को ऑन करना है और किस प्रॉक्सी को ऑफ करना है जिसकी वजह से आप अपने सिमुलेटर पर वीडियो को रन कर सकें। लिहाजा इसके लिए हम सबसे पहले तो Xcode को मिनिमाइज़ कर लेते हैं सारी चीज़ों को यहाँ से। ठीक है, उसके बाद आपने सेटिंग पर आना है। ठीक है, अगर आप एक्सकोड में वट एवर जिस पे भी आप काम कर रहे हैं, उसके बाद आप यहाँ से आप जाओगे नेटवर्क पे। ठीक है, नेट सेटिंग पे क्लिक करके मैं नेटवर्क पे आया। उसके बाद आप एडवांस सेटिंग पे जाएंगे, फिर आप प्रॉक्सीज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऑटो प्रॉक्सी डिस्कवरी और इसी तरह से ऑटोमेटिक प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन दोनों को मैंने डिसेबल किया है। तो ये दोनों ऑप्शन डिसेबल होने चाहिए तभी आप अपने वर्चुअल मशीन पर या एक्सकोड के सिमुलेटर पर अपनी वीडियो को सक्सेसफुली रन होता हुआ देखेंगे, जिस तरह से अभी हमने लॉजिकली यहाँ पर रन करके देखा। तो ये एक बेसिक तरीका था जिसके ज़रिए से आप अपनी वीडियो को इम्बेंड कर सकते हैं। आप डायरेक्टली चाहें तो कंप्लीट URL भी इस HTTP पे लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका ये कि आप मेथड के थ्रू लोड इवेंट पे से कॉल करें ताकि जो वीडियो रनिंग है वो आपके वेब व्यू को ही एक्सेस करे जितना उसकी विड्थ और हाइट है, और उसी बेस पे वो रन हो सके।